सो मुझे पता है काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, और उसका एक ही कारण था कि गाइस वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहा है, चैनल पे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ी सी डिमोटिवेशन फील हो रही है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक नई ताबड़तोड़ सी वीडियो लेके आया हूँ। एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक RGB स्पीकर जिसकी आवाज़ भी अच्छी है, जिसकी RGB भी ब्राइट है, जिसकी प्राइस भी कम है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो गाइस आपको 600 के अराउंड मिल जाती है। एंड बात करूँ इसमें RGB की तो गाइस आपको RGB में इसमें भर भर के RGB मिल जाती है। बोल सकते हो आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आउटडोर में भी इसकी RGB काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है। एंड बात करूँ आवाज़ की तो गाइस आवाज़ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेस है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिबल है, इसके लोज एंड हाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और गाइस ये भी एक ब्रांडेड कंपनी की तरफ से आता है। सो हे गाइस, मैं अगर आप देख रहे हैं वीडियो, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट स्पीकर अंडर 500, और अगर आपको PC के लिए यूज़ करना है ना तो ये तो बेस्ट है। तो गाइस चलिए करते हैं शुरू। तो गाइस जिस स्पीकर की बात कर रहा हूँ गाइस वो है आर्टिस्ट S21 2.0। गाइस ये जो स्पीकर है गाइस ये 2.1 स्पीकर है, एंड इसके अंदर आपको 2.5 वॉट का बोल सकते हो, आपको जो स्पीकर्स रहते हैं वो 2.5 वॉट के मिल जाते हैं, मतलब ये टोटल कुछ 5 वॉट का जनरेट करते हैं आउटपुट। एंड गाइस बात करो तो इसमें आपको RGB भी मिल जाती है अच्छी सी। और उसके पहले मैं आपको इसके फीचर्स और गिनवाऊँ, उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गाइस इसका जो बॉक्स है मुझसे घूम चुका है, तो बॉक्स मेरे पास नहीं है। हाँ, लेकिन स्पीकर्स में 3 महीने से यूज़ करो तो गाइस इसका मैं आपको अच्छा वाला रिव्यू एक दे सकता हूँ। और बात करूँगा इसके ना बॉक्स कंटेंट की बात करो तो गाइस बॉक्स कंटेंट में इसमें मेरे को सबसे पहले एक बॉक्स मिला था जो इसका ओरिजिनल बॉक्स था, जो कि मुझसे गुम गया है। साथ ही साथ में गाइस ये स्पीकर थे, और साथ ही साथ बस एक यूज़र मैनुअल था, इसके सिवा इसमें कुछ भी नहीं आया था, बस इतने इसके अंदर कंटेंट आए थे। कनेक्टिविटी क्या क्या पोर्ट मिलता है, तो गाइस कनेक्टिविटी पोर्ट में आपको एक सामने की तरफ USB मिलता है, एंड 3.5 का जैक मिलता है, जो USB उससे इसकी RGB और जो स्पीकर है उनको पावर मिलता है। एंड जो 3.5 जैक है गाइस वहाँ से इनपुट लेता है जो प्ले करना रहता है इसे, तो आप इसे फ़ोन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, एंड PC लैपटॉप के साथ तो यूज़ कर ही सकते हो, एंड इनफैक्ट TV के साथ भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके TV में पोर्ट दिया हुआ है तो। और गाइस बात करूँ इसमें तो आपको एक कंट्रोलर भी मिल जाता है जिससे आप इसकी आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड अब बताऊँ इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी थी, तो गाइस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक एवरेज बिल्ड क्वालिटी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बेकार है, बोल सकते हो एकदम ठीक ठाक सी बिल्ड क्वालिटी है। मतलब ये है कि अगर आपके हाथ से 2 से 3 बार छूटा तो हाँ ये पक्का टूट जाएगा, लेकिन गाइस जो ये प्राइस के हिसाब से फीचर दे रहा है वो बहुत ही मस्त है। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी की तरफ हम उतना नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो स्पीकर है सिर्फ 500 से 600 रुपये के बजट में आता है। अब बात करूँगा जिसकी आवाज़ की, इसकी आवाज़ कैसी है, तो गाइज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके जो लोज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो इसके हाइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे, इसका बेस भी ठीक ठाक सा है, इसका ट्रेबल है वो भी ठीक ठाक सा, ऑल इन बोल सकते हो 500 का बजट तो गाइज़ ये स्पीकर आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑडियो क्वालिटी है साउंड क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है 500-600 के हिसाब से। और मैं आपको एक इसका बोल सकते हो ट्रायल या एग्जाम्पल देता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है। एंड गाइज अब इसकी RGB के बारे में बताऊँ कि इसकी RGB कैसे, तो गाइज मैंने पहले बताया इसकी RGB है जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी ब्राइट इनफ है, मतलब आउटडोर में या लाइटिंग कंडीशन में भी ये काफ़ी साफ साफ दिखती है। एंड इसकी जो RGB गाइज इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये RGB जो रैंडम ग्लो होती है एंड रैंडम चेंज होती है, तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि मतलब कि आप इसको कंट्रोल करके एक थीम में नहीं ला सकते, ये अपने आप ही ग्लो होती है और अपने आप ही चेंज होती है रैंडम कलर्स में, तो गाइज इसका आप कुछ नहीं कर सकते। सो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद है, गाइज वीडियो पसंद को लाइक कर देना। एंड गाइज अगर आप इस स्पीकर को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से खरीद सकते हो। एंड साथ ही साथ में गाइज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ में ये पढ़ो क्या लिखा है, जी हाँ आप कसम खाइए, तो वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज देखते हैं बहुत मैंने काम हो के वीडियो बनाए, बिल्कुल चिल्लाए नहीं वीडियो में, तो गाइस ये बताने कि आपको ऐसी वीडियोस ठीक लगती है या मैं एक्साइटेड होकर वीडियो होता हूँ वो ठीक लगती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।